makan. स्थिति गंभीर है। आज की रात्रि सकुशल निकल जाए अन्यथा आप चिंता मत कीजिए, माँ सब ठीक कर देंगे। जब माँ है ही नहीं तो ठीक क्या करेंगी? विक्षिप्त हो गया है क्या? ये क्या कह रहा है तू? वही जो सत्य है। ये कैसे कह सकता है तू? तुझे तो माँ के साक्षात दर्शन हुए। वो दर्शन नहीं थे, वो भ्रम था मेरा, मेरी कल्पना थी अथवा मेरा स्वप्न था माँ, किंतु सत्य नहीं था। जब माँ है ही नहीं तो दिखती कैसे? क्योंकि यदि वो होती तो आज मेरे पुत्र के संग ऐसा होने नहीं देती, और जो है नहीं उनकी मूर्ति घर में रखने का क्या लाभ? प्रातः होने से पूर्व इन्हें कहीं और स्थापित करवा देना अथवा विसर्जित करवा देना, बस इन्हें यहां से हटा देना। अब मेरे हृदय में और इस घर में इनका कोई स्थान नहीं है। तू स्वस्थ हो जाएगा भास्कर, अब तेरे बापू तेरे साथ है। पहले तो कहा करते थे कि माँ तेरे साथ है, और आज कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। कि माँ से मैं कैसे हो गया? बापू आप सब सच्चे हो। तू स्वस्थ हो जाएगा भास्कर, ये काल रात्रि भी निकल जाएगी पुत्र। भास्कर, बापू मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उस बालक कुमार ने स्वयं में अपने सिर पे फूलदान रख लिया था। अरे पगली, इतना कुछ हो गया तो अभी तक वही सोच रहे हैं। माँ शारदा, मेरे पुत्र की चेतना आ गई, मेरे पुत्र की चेतना आ गई, भास्कर स्वस्थ हो गया। गुरुजी, महादेव के मंदिर में दूध चढ़ाते हुए दो बिंदे जल भरने के लिए भगवान से पात्र मांगा है। ले जाओ। जी गुरुजी। गुरुजी। क्या? गुरुजी, बाल गोपाल जी के मंदिर में ना दर्जी ने ना कम्बल मांगा है, तो आपका प्रिय कम्बल दे दूं? वो कम्बल हमें बहुत प्रिय है। ले जाओ। यही वाला। पंडित रामकृष्णा, आपके व्यक्तिगत अनुभव ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि माता है या नहीं। अब माता के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनेंगे हम।
किंतु ये सत्य है महाराज, ये मेरा सत्य है। और आज तक विजयनगर दरबार में किसी को भी सत्य बोलने से नहीं रोका गया है। कल जो कुछ भी घटित हुआ उसके पश्चात मैंने अम्मा और शारदा को माँ की मूर्ति को मेरे घर से हटाने के लिए भी कह दिया था, किंतु चेतना में आने के पश्चात जो कुछ मेरे पुत्र ने मुझसे कहा उसने मेरे नेत्र खोल दिए महाराज। मेरा पुत्र सुरक्षित है, मेरा भास्कर सुरक्षित है। पापा ऐसा प्रतीत होता है किसी ने मेरी रक्षा की है। रक्षा की अर्थात? जब वृक्ष की शाखा पर चलते हुए मेरा पैर फिसला था, मैं वृक्ष की बाएं ओर गिर रहा था और नीचे पत्थरों का ढेर था, और अनायास मुझे ऐसा लगा किसी शक्ति ने मुझे खींच के दूसरी ओर गिरा दिया, जहाँ घास थी और भूमि भी नरम थी। अब आप ही देखिए कि माँ को यहाँ रखना है या क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। अपने पुत्र की बात सुनने के पश्चात मैं जांच करने उस स्थान पर गया जहां भास्कर गिरा था, और मैंने वहां क्या पाया? उस वृक्ष के नीचे नुकीले पत्थरों का ढेर था। भास्कर सही था महाराज, यदि वो उन पर गिरता तो मृत्यु निश्चित थी, किंतु बच कैसे गया वो? वो शक्ति जिसने भास्कर को उन नुकीले पत्थरों पर गिरने से बचाया, वो शक्ति क्या थी, कौन थी? मेरे पैरों में चोट था जिस कारणवश मैं चल भी नहीं पा रहा था, किंतु जब मेरे पुत्र को मेरे सहायता की आवश्यकता थी मुझ में अचानक एक शक्ति आ गई। मैं मात्र भागा नहीं महाराज, मैं उस गहरी चोट में बहते रक्त में भागा, जहां मैं स्वयं चल नहीं पा रहा था वहां मैं भागकर पहले उद्यान तक पहुंचा। तत्पश्चात अपने पुत्र को दोनों हाथों में उठाकर मैं तीव्र गति से वैद्य जी के घर तक भागता गया महाराज, जहाँ मैं स्वयं चल नहीं पा रहा था वहाँ भास्कर को लेकर भागने की शक्ति मेरे पैरों में कहाँ से आई? क्या थी वो शक्ति? वैद्य जी कल अपने गांव तक प्रस्थान कर चुके होते, किंतु ज्ञात नहीं कैसे उनकी आंखें लग गई। जो व्यक्ति समय का इतना पक्का है, जो सूर्यास्त होते ही अपने गांव के लिए निकल जाता है, कल सूर्यास्त के पश्चात भी वो रुका रहा, किस शक्ति ने रोका उन्हें? और एक बात, जब कल मैं गिरा तो लगभग मुझे छूते हुए एक उन्मुक्त सांड भागा, यदि मैं नहीं गिरता तो वो सांड अवश्य मुझे कुचल देता। तो वो कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे गिरा कर भी मेरी सहायता की, मेरी रक्षा की? है किसी के पास मेरे इन प्रश्नों का उत्तर? मेरे पास है महाराज, वो शक्ति और कोई नहीं थी, वो माँ थी, जिसके होने पर आज इस दरबार में प्रश्न चिन्ह लगा रहे। हाँ, एक बार के लिए मेरी आस्था डगमगाई थी, किंतु जब अविश्वसनीय बातें होती है तो आस्था और बढ़ जाती है महाराज, और आज मैं पूरी आस्था से कहता हूँ कि मुझे और मेरे पुत्र को बचाने वाली और कोई नहीं, वो माँ थी, वो मेरी माँ थी महाराज। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, सत्य वचन। पंडित रामकृष्ण, आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? जी महाराज, आप कृपया मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे ज्ञात है कि जो आभूषण आपने धारण किए हुए हैं वो बहुमूल्य आभूषण है? ये क्या बोल दिया महाराज से? पंडित रामकृष्ण, हमने स्वर्ण के आभूषण पहने, और ये तो सभी को विदित है कि स्वर्ण बहुमूल्य होता है।
सत्य कहा महाराज, अर्थात किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के विषय में अन्य व्यक्तियों की राय पर निर्भर करता है, और इसीलिए सर्वप्रथम हमें इस पुस्तक का उचित मूल्य ज्ञात करना चाहिए महाराज। महाराज, मेरा एक निवेदन है आपसे कि इस पुस्तक का सार अन्य राज्यों को एक संदेश के रूप में भिजवाया जाए और इस पुस्तक पर उनकी राय मांगी जाए। क्यों ना ये निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया जाए कि इस पुस्तक की क्या उपयोगिता है और वो इस पुस्तक को किस मूल्य पे क्रय करना चाहेंगे। महाराज, ये पंडित रामाकृष्णा को दरबार का समय नष्ट करने में बहुत आनंद आता है। महाराज, ये जो समस्या का समाधान जो है बहुत ही सरल है और स्पष्ट है। ये वेंकटेश महोदय ने रामानुज महोदय को ऋण दिया, अब इनको ऋण वापस देना चाहिए। ये नहीं दे पा रहे तो रामानुज महोदय को अपना घर विक्रय करके वेंकटेश महोदय का ऋण चुका देना चाहिए। साधारण सी बात है। मैं भी यही करूंगा गुरुवर। जब कोई भी राजा इस पुस्तक को क्रय करने से मना कर देगा तब हमें पूर्ण विश्वास है इस पुस्तक में कोई रुचि नहीं दिखाएगा, कोई नहीं। उचित है पंडित रामकृष्ण, आप कबूतरों के माध्यम से आस पड़ोस के राज्य में संदेश भिजवाइए, उन्हें इस पुस्तक के विषय में बताइए और उनसे प्रतिक्रिया मांगिए। उनकी प्रतिक्रिया आने के पश्चात ही हम अपना निर्णय सुनाएंगे। यदि कल तक इस संदेश का उत्तर नहीं आया या उत्तर आने पर यह ज्ञात हुआ कि आसपास के राज्य के जो राजा हैं उन्हें इस पुस्तक में कोई रुचि नहीं है, उन्हें नहीं लगता है कि यह पुस्तक बहुमूल्य है, तो हम रामानुज महोदय का घर नीलाम कर देंगे और वेंकटेश महोदय ने जो ऋण दिया था उसके बराबर की रकम उन्हें दे देंगे। महाराज, मुझे लगता है कि पंडित रामाकृष्णा अकारण ही हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। किसी भी राज्य से अब तक प्रतिक्रिया ना आना यह स्पष्ट करता है कि इस पुस्तक का कोई मूल्य नहीं है। हमने तो पहले से ही कहा था। महाराज, ये संदेश दुर्गापुर राज्य से आया है, उन्हें ये पुस्तक अधिक उपयोगी नहीं लगी, अतः वो रामानुज महोदय को इस पुस्तक के लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है। 10 स्वर्ण मुद्राएं? महाराज, विष्णुवाड़ा के राजा इस पुस्तक के लिए बहुमूल्य हीरे देने को तैयार हैं। सूरज कुंड के राजा ने रामानुज महोदय से राज वैद्य का पद आसन ग्रहण करने का आग्रह किया है। मुंह मांगा वेतन और रहने को निवास स्थान भी मिलेगा। पंडित रामकृष्ण, हमें स्मरण है कि आपने इन संदेश में इस पुस्तक का सारांश लिखने को कहा था, परंतु हम सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा सारांश लिख दिया था रामानुज महोदय ने कि समस्त राज्य के राजा इस पुस्तक को क्रय करना चाहते हैं। महाराज, ये तो आपको इस पुस्तक को देखने के बाद ही ज्ञात होगा। ये भास्कर के वस्त्र और कुछ आवश्यक सामग्रियां हैं। भास्कर के वस्त्र, आवश्यक सामग्री, ये हो क्या रहा है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? भास्कर को कहां भेज रहे? गुरुकुल। बापू, मुझे गुरुकुल नहीं जाना। कल आप ही ने कहा था, अब मुझे गुरुकुल नहीं भेजेंगे।
मुझे गुरुकुल नहीं जाना बापू, मुझे गुरुकुल नहीं जाना। तू अपना वचन तोड़ रहा है रामा। तूने कल ही हमें आश्वासन दिया था कि भास्कर अभी एक वर्ष तक गुरुकुल नहीं जाएगा। हाँ हाँ कहा था मैंने, निर्णय लिया था कि भास्कर एक वर्ष और रहेगा हमारे साथ, तो कल कुछ ऐसा घटित हुआ कि मुझे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा। कल जब मैं दरबार से लौट रहा था तो ये वस्त्र मैंने धोकर सुखाने के लिए रखे थे, किंतु अब इनमें फिर से मिट्टी लगी है। अवश्य ही किसी बालक की शैतानी है। कहीं हकार पंडित रामकृष्ण के पुत्र भास्कर का तो नहीं है? सुना है भास्कर के कारण युवराज बालक हमारा गंजे हो गए। भास्कर की शैतानियां सीमा पार कर चुकी है अम्मा। अब यदि विजयनगर में कुछ भी होगा तो पहला संदेह इसी पर किया जाएगा। इसने यदि कुछ नहीं भी किया होगा तो भी लोग इसी पर उंगली उठाएंगे, और मैं एक पिता होने के नाते अपने पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ रहूं, ये मुझसे सहन नहीं होगा। विश्वास करो, मैंने इसके और हम सब के भले के लिए ऐसा किया है। पापा मैं वचन देता हूँ, मैं ऐसी कोई शैतानी नहीं करूंगा, बस मुझे यहाँ पर रहना है। अम्मा शारदा समझा ना पापा को। अपने बच्चे के बगैर कैसे रह पाएंगे? नन्हा सा बालक है ये रामा, कैसे रहेगा शारदा के बिना तेरे बिना? तो सोच के तो देख। भास्कर पप्पू नहीं जाना। तू यहाँ क्या कर रही? जहाँ भास्कर वहाँ मैं। छुटंकी, गुरुकुल बहुत दूर है, जा अपने घर जा। नहीं नहीं गुरु, ये दोनों अत्यंत ही घनिष्ठ मित्र हैं। अपने बापू के बाद ये इसे ही सबसे अधिक मानता है। आप इसे जाने दीजिए, भास्कर को भी मन लगा रहेगा। तू चिंता मत कर कांता, वैद्य जी को मैं सूचित कर दूंगी। हे भगवान, एक कम था तो दूसरी भी आ गई। चल चल बैठ। क्षमा कर देना भास्कर। अरे मुझे नहीं जाना बापू, बापू मुझे गुरुकुल नहीं जाना बापू, बापू मुझे गुरुकुल नहीं जाना बापू, बापू मुझे नहीं जाना गुरुकुल बापू। मोही लटकाने से क्या होगा, कुछ बदल जाएगा क्या? प्रसन्नता से नाच भी तो नहीं सकता, गुरुकुल जा रहा सूर्य कंठ। कितनी बार कहा है कि यह नाम मुझे पसंद नहीं है, कांता हूँ मैं कांता। ये लो गहरी निद्रा में मग्न, तुम्हारे दुख में कितने दुखी हैं ताता जी। सो नहीं रहे, कान पूछकर मुझे चिढ़ा रहे। चलो भागो। कहाँ? ओह प्रश्न बहुत पूछते हो, अब उठो भी। किंतु क्यों? तुम्हें गुरुकुल नहीं जाना ना, तो यही समय है ना। यदि हम यहाँ से भाग गए तो गुरुकुल कौन पहुँचेगा? ताता का भूत। ताता अभी तक जीवित है बच्चों। भास्कर! बोल। दादा, मैं तो सत्य।
अधिक भोला बनने की चेष्टा मत कर। दे इसी समय दे पत्र दे। राजकीय पत्र की चोरी करता है इसका परिणाम समझता है तो? किंतु सत्य में मैंने वो पत्र चुराया ही नहीं, मैं तो धनिका के साथ शौचालय गया था। आप स्वयं पूछ लीजिए। तुम दोनों को कक्ष के भीतर रहने के लिए कहा था ना हमने, तो क्या ये कक्ष के भीतर आया या तुम कक्ष के बाहर गए? गुरुजी क्षमा की। चुप। सत्य क्या रही? तुम गए थे इसके साथ? जी गुरुजी गया था। तो फिर इस कांता ने चोरी की होगी, बैलगाड़ी से भागने के लिए भी यही उकसा रही थी। ए छोटंकी, अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। ला, ला दे, इसी समय पत्र हमें दे। एक ही समय में दो स्थान पर होने की कला नहीं आती मुझे। अर्थात? मैं भी तो शौचालय गई थी। मनी काका स्वयं लेकर गए थे मुझे। मनी काका बताइए ना। हाँ गुरुजी, कांता सत्य कह रही है। ये भास्कर ने नहीं लिया, कांता ने भी नहीं लिया, तो क्या पत्र को भूमि खा गई या आसमान निकल गया? हम अभी इसी समय विजयनगर लौटकर जाएंगे और जाकर महाराज को सब कुछ बताएंगे। तुम्हारा स्वयं पता लगाएंगे कि उनके द्वारा हस्ताक्षर युक्त राजकीय अनुशंसा पत्र कहां गया, और इस क्रम में पंडित रामाकृष्णा को भी बुलाया जाएगा। एक बार पुनः उनका अपमान होगा तो क्या करें? सत्य को खोजने के लिए यह आवश्यक है। चलो बाला के पास है। राजकुमार बाला ने चुराया वो पत्र। आज नुदंड बच्चों के कारण हम पुनः अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने में विफल हो गए। अब हम महाराज को जाकर क्या कहेंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे हम विजयनगर? अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है ना तुझे? तू जानता है इस घटना के कारण सबसे अधिक दुख किसे होगा? मेरे बापू को होगा, क्योंकि उसका सपना है कि तुझे कपिलेशपुरम भेजे, तुझे शिक्षित करे। परंतु तू? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दादा सत्य कह रहे हैं, उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। हमें उस मूर्ख की सहायता ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर तो हमें इस त्रुटि को सुधारना चाहिए। चलो बाला से वो पत्र वापस लेकर आते हैं। दादा आप चिंता मत कीजिए, जैसे बाला ने यहाँ पर आके चोरी की है, वैसे ही हम उसके वहां जाकर उसके नाक के नीचे से वो पत्र ले आएंगे। अरे महल है वो, कड़ी सुरक्षा होगी वहां, कैसे लाएगा तू? जैसे मैं आपका लौड़ा लेके आया था। गुरुजी गुरुजी शांत हो जाइए, जो कुछ हो उसे भूल जाइए, आगे की सुधी लीजिए। हाँ गुरुजी, वैसे भी शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और इस समय भास्कर के दिए उपाय के अतिरिक्त आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।